ये है बजाज VS4 जिसका इंजन हमको खोलना है, क्योंकि इसका करंट फ्री हो गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेड में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टूटा है, ऑयल बहुत आया हुआ है, साफ हुआ लग रहा है क्योंकि इंजन बहुत पुराना है, इस पर पूरा काला होना चाहिए। ये निकालने के बाद तो लग रहा है पूरा, अरे यार मेरी तरह पिस्टन को फोड़ के अच्छी तरह से, पिस्टन को एक भाग में अलग से पूरे फोड़ के कचरा कर दिया हुआ है। देखिए इसमें कितना फूटा हुआ है, इसीलिए तो पूरा फ्री हो गया था करेंगे, बाकी और खोलने के बाद दिखाएंगे क्या क्या होता है, देखते रहिए। करेंगे तो बिल्कुल सही है,
फिलहाल करंट नहीं टूटा है और कनेक्टिंग तो देख लीजिए पूरी धजिया उड़ा के रख दिया है, पूरा पूरी तरह से देखिए दोनों तरफ से पूरा तोड़ दिया है पिस्टन। अरे भाई पिस्टन है, देखिए पिस्टन को क्या किया, गाड़ी जो होगा ना वो हाई स्पीड पकड़े होगा, हाई स्पीड के कारण ये फोड़ता है। बाकी आगे आप लोगों को दिखाएंगे, देखिए कितना कचरा। चलिए अब इस इंजन को साफ उफ कर लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। ये है नया न्यू धुआ साफ उफ होके एक नंबर, उसको पहले हम बूस्ट निकाल लेंगे तो अपने भी इसे भी ठोक सकते हैं, लेथ पर भी ठुका सकता है। यहीं से ऑयल जाता है पूरे व्हील को, ऑयल को भेजता है दो तरफ से कड़ से खासा ढंग रखेगा कस्टमर के लिए। बढ़िया से फ्री कर लेना है सब छेदा को, जितना भी छेदा हो, उसके बाद लगाना है ताकि गर्म वाला प्रॉब्लम नहीं रहता हीट होने का। रिंग फ्री होना चाहिए, रिंग चलाते हुए ध्यान रखना कोई भी रिंग ढूंढना नहीं चाहिए।
मिक्स वाला गैसकेट दीजिए, ताकि मेगा मैक्सिमम वाला जितना भी गैसकेट आया सब हेड गैसकेट करने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए मेगा मैक्स का जब भी डालू मेगा मैक्स करा मेगा पुराना मॉडल कभी गैसकेट करने का प्रॉब्लम नहीं है।